खाद्य तेलों की तरह दालों पर भी सरकार ने काफी फैसले लिए हैं। सरकार ने दालों की कीमतों को नीचे लाने के लिए काफी प्रयास किए हैं, जिसका असर दालों की कीमतों पर साफ देखा जा सकता है। दालों की थोक कीमतों में गिरावट आई है। पिछले 6 महीनों में 8 से 20% तक दालों की कीमतें गिरी हैं। इतना ही नहीं, मसूर दाल को छोड़ बाकी सभी की कीमतें MSP से भी नीचे आ गई हैं। अरहर चना दाल में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ मसूर दाल का भाव MSP से ऊपर देखने को मिला है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मसूर की भी कीमतें आगे गिर सकती हैं। सरकार की कई नीतियों के कारण दाल की कीमतों में गिरावट आई है। सस्ती दरों पर अफ्रीका से दालें इंपोर्ट हुई हैं। दालों की बिक्री नाफेड भी कम दरों पर कर रहा है। मांग से ज्यादा सप्लाई होने के कारण दालों की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं खाद्य पदार्थों की महंगाई को काबू पाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इस बीच सेबी ने वायदा में काफी कमोडिटीज पर रोक लगा दी है, जो कि 1 साल की अवधि के लिए जारी रहेगी। सेबी ने कुल 7 कमोडिटी पर बैन लगाया है। इन 7 कमोडिटीज में चावल, गेहूं, सरसों, चना, मूंग, कच्चा पाम और सोयाबीन ऑयल जैसी कमोडिटीज शामिल हैं। सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल पर आयात ड्यूटी 5% घटा दी है। साथ ही ड्यूटी फ्री तुअर और उड़द का आयात 30 जून तक बढ़ा दिया है। जल्द ही सरकार की तरफ से और कदम भी देखने को मिल सकते हैं। महंगाई घटाने की इस कवायद घटाने के तहत बफर स्टॉक से दालें बाजार में बेची जाएंगी। दालों के आयात के लिए कई देशों से बातचीत भी जारी है। अच्छी बात यह है कि प्याज टमाटर की कीमतें फिलहाल काबू में हैं। बाकी कीमतें काबू में रखने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।